दोस्तों आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होगी और इस वीडियो में Oppo F7 वर्सेस Vivo V9 का कंपैरिजन नहीं बल्कि इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो यूज किए गए प्रोसेसर्स हैं सिर्फ उनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि Oppo F7 के अंदर यूज किया गया MediaTek का Helio P60 ज्यादा बेटर प्रोसेसर है या फिर Vivo V9 के अंदर यूज किया गया Qualcomm Snapdragon 626 ज्यादा बेटर प्रोसेसर है। तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक को बाय करने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं प्रोसेसर को लेके तो फिर इस वीडियो कंपैरिजन को लास्ट तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर्स हैं इनको लेके यूजर्स की बहुत ज्यादा कंसर्न होती है और अगर एक तरफ हो MediaTek और दूसरी तरफ हो Qualcomm Snapdragon तो ज्यादा चांसेस यही है कि यूजर जो है प्रेफर करते हैं Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर को बिकॉज नो डाउट ये परफॉर्मेंस में बहुत ही स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो MediaTek है इसने भी काफी हद तक अपना किबला दुरुस्त कर लिया है और एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की SoC यानी प्रोसेसर इन्होंने लॉन्च किया है MediaTek Helio P60 जिसे इन्होंने रिसेंटली MWC 2018 में लॉन्च किया था जो बार्सिलोना में हुई थी और अब ये जो चिपसेट है Helio P60 इसे Oppo के F7 में यूज किया गया है और दूसरी तरफ Vivo ने अपनी लेटेस्ट डिवाइस Vivo V9 के अंदर यूज किया है Qualcomm Snapdragon 626 के प्रोसेसर को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं Oppo F7 में यूज किए गए MediaTek के Helio P60 और Vivo V9 के अंदर यूज किए गए यहां पे Qualcomm Snapdragon 626 जो प्रोसेसर है इनके कंपैरिजन को। दोस्तों कंपैरिजन में यहां सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो MediaTek Helio P60 जो प्रोसेसर है ये 12 नैनोमीटर के FinFET प्रोसेसर के ऊपर मैन्युफैक्चर किया गया है। दूसरी तरफ जो Qualcomm Snapdragon 626 प्रोसेसर है ये 14 नैनोमीटर के FinFET प्रोसेसर के ऊपर मैन्युफैक्चर किया गया है। दोनों जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट किस्म के प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा अच्छे प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे जो नैनोमीटर का नंबर है जितना ज्यादा कम होगा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जो डिवाइस की बैटरी लाइफ है वो आपको अच्छी और इंक्रीज देखने को मिलेगी। दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे जो 12 नैनोमीटर का FinFET प्रोसेस है इसके अंदर कहीं ना कहीं पे एडवांटेज रहेगा MediaTek के Helio P60 को। दोस्तों उसके बाद अगर दोनों प्रोसेसर के CPU GPU की बात की जाए सबसे पहले यहाँ पे MediaTek Helio P60 के CPU की बात करें तो ये जो MediaTek Helio P60 है ये octa-core configuration के साथ आता है। इसकी जो चार अपर कोर्स हैं परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो बेस्ड हैं Cortex A73 के ARM डिजाइन के ऊपर और जो चार लोअर कोर्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए वो बेस्ड हैं Cortex A53 के ARM डिजाइन के ऊपर। जो हैवी टास्क है वो अपर कोर्स परफॉर्म करेंगी, जो लोअर टास्क है वो लोअर कोर्स परफॉर्म करेंगी और जो आठों की आठों कोर्स हैं वो क्लॉक किया गया है उनको 2 GHz के ऊपर। और अगर यहाँ पे GPU की बात करें MediaTek Helio P60 के तो यहाँ पे आपको माली का GPU मिलेगा G72MP3 जो हर तरह के ग्राफिकल टास्क को हैंडल करेगा और GPU को जो क्लॉक किया गया वो है 800 MHz के ऊपर इसे क्लॉक किया गया है। तो हर तरह की हैवी गेमिंग वगैरह को डिमांडिंग टास्क वगैरह जो भी हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से रन करेगा MediaTek Helio P60, आपको परफॉर्मेंस लैग किसी भी किस्म का देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर Snapdragon 626 की बात की जाए तो ये भी एक octa-core चिपसेट है जिसकी जो 8 की 8 कोर्स हैं वो बेस्ड हैं Cortex A53 के ARM आर्किटेक्चर के ऊपर और जो 8 की 8 कोर्स हैं उन्हें क्लॉक किया जाता है 2.2 GHz के ऊपर। GPU की बात करें तो यहाँ पे Adreno का GPU मिलेगा 506 का जो हर तरह के ग्राफिकल टास्क को हैंडल करेगा। अगर GPU की क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो GPU की क्लॉक स्पीड होगी 650 mAh की, तो स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी विदाउट एनी लैगिंग। तो दोस्तों CPU और GPU के कंपैरिजन में यहाँ पे डोमिनेट करेगा MediaTek का Helio P60। अब ये एक फैक्ट है बिकॉज यहाँ पे जो चार परफॉर्मेंस कोर्स हैं Cortex A73 बेस्ड जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो उनका भी एडवांटेज है MediaTek Helio P60 को ओवर Qualcomm Snapdragon 626 के ऊपर, क्योंकि जो 626 की चिपसेट है ये Qualcomm की एक पुरानी चिपसेट है जिसे Vivo ने यूज किया है Vivo V9 के अंदर। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो किसी भी टाइप का परफॉर्मेंस लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस स्मूथ रहेगी। लेकिन फिर भी जो एक स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो डोमिनेट करेगा वो करेगा MediaTek का Helio P60। और उसके बाद अगर यहाँ पे दोस्तों दोनों प्रोसेसर के कैमरा सपोर्ट की बात की जाए तो Oppo F7 का जो MediaTek Helio P60 है ये ड्यूल कैमरा सेटअप को चिपसेट सपोर्ट करती है लेकिन Oppo F7 में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप नहीं मिलता। बैक साइड के ऊपर मिलता है 16 MP का कैमरा, जो अपर्चर है उसका वो है F1.8 का और फ्रंट साइड के ऊपर मिलता है एक जॉइंट फ्रंट कैमरा 25 MP
पिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर मिलता है आपको, जिसका अपर्चर होगा f2.0 का। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक डेडिकेटेड यूनिट इन्होंने सेपरेटली यूज किया है इस चिपसेट के अंदर, जो AI बेस्ड टास्क जो है उन्हें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। उसके अलावा यहाँ पे HDR रियल टाइम HDR मोड की ऑप्शन, AI ब्यूटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, सेल्फीज बहुत ज्यादा इनहेंस होगी, फेस अनलॉक की ऑप्शन भी मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन ड्यूल कैमरा सेटअप आपको ओप्पो F7 में देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे Vivo V9 की, तो ये ड्यूल कैमरा सेटअप को सपोर्ट करती है Qualcomm Snapdragon 626 की जो चिपसेट है, और Vivo V9 के अंदर आपको बैक साइड के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता भी है। यहाँ पे बैक साइड के ऊपर दो जो कैमराज हैं 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेकेंडरी लेंस है, जो बूके इफेक्ट अच्छे से क्रिएट करेगा, डेप्थ कैप्चरिंग के लिए यूज होगा ये 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट साइड के ऊपर मिलेगा 24 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस फ्रंट फेसिंग कैमरा। उसके बाद यहाँ पे AR स्टिकर्स की ऑप्शन, AI ब्यूटिफिकेशन की ऑप्शन, यानी ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ पे कैमराज की, तो कैमराज में थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा बैक साइड के ऊपर Vivo V9 को। लेकिन यहाँ पे MediaTek Helio P60 ड्यूल कैमरा सेटअप को सपोर्ट करता था, लेकिन Oppo ने Oppo F7 में यूज ही नहीं किया डबल कैमरा सेटअप को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा Vivo V9 को बैक कैमरा की परफॉर्मेंस के ऊपर, बाकी जो दोनों की परफॉर्मेंस है आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो MediaTek Helio P60 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन सैडली स्पीकिंग यहाँ पे Oppo F7 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलती, माइक्रो USB पोर्ट मिलती है यानी USB टाइप सी भी नहीं मिलती। पता नहीं क्यों, अगर चिपसेट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती थी तो Oppo को कम से कम फास्ट चार्जिंग तो यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ अगर Qualcomm Snapdragon 626 की बात की जाए तो यहाँ पे भी स्टोरी कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है, ना टाइप सी आपको मिलती है, क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है, क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है Qualcomm Snapdragon 626, लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। हालांकि अगर प्राइसेस देखें दोनों स्मार्टफोन की, काफी अग्रेसिव किस्म की प्राइसेस हैं, काफी हाई प्राइस टैग हैं दोनों स्मार्टफोन के। अब इस प्राइस रेंज के अंदर दोनों स्मार्टफोन में कम से कम फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो Oppo F7 में जो यूज की गई MediaTek Helio P60 है, ये 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन Oppo ने अगेन एक घटिया काम किया है यहाँ पे। Oppo ने F7 के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड नहीं की, यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल HD में। और दूसरी तरफ अगर Qualcomm Snapdragon की बात की जाए 626 की, तो ये 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करती है। और एक अच्छी चीज ये है, एक अच्छी न्यूज ये है कि Vivo V9 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS को सपोर्ट करता है, यानी आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं Vivo V9 से, जो आप Oppo F7 से नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप जरा दोनों प्रोसेसर MediaTek Helio P60 और Qualcomm Snapdragon 626 के Geekbench और Antutu Benchmark scores की अगर बात करें, तो MediaTek Helio P60 का जो Geekbench score है उसमें सिंगल कोर में इसका स्कोर रहा 1510 यानी 1510, और जो इसका मल्टी कोर स्कोर रहा वो रहा यहाँ पे 5840 यानी 5840। और Antutu बेंचमार्क की अगर बात करें तो वहां पे इसका स्कोर रहा MediaTek Helio P60 का वो रहा 1,39,700 यानी 1,39,700। और दूसरी तरफ अगर Qualcomm Snapdragon के Geekbench की बात करें तो सिंगल कोर के ऊपर इसका स्कोर रहा 940 यानी 940, और मल्टी कोर के ऊपर इसका स्कोर रहा 4625 यानी 4625। और Antutu बेंचमार्क की बात करें तो इसका स्कोर रहा यहाँ पे 90,565 यानी 90565। और ये जो स्कोर्स आपको मैंने कोट किए हैं, ये मैंने YouTube के ऊपर ही एक कंपैरिजन वीडियो देखी थी दोनों के, जो Antutu बेंचमार्क और Geek बेंचमार्क की, मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। और ये जो Geek बेंच और Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स हैं, इनमें क्लियरली बीट करता है MediaTek Helio P60 की जो चिपसेट है वो Snapdragon के 626 को क्लियरली बीट करती है, और इसी से आप परफॉर्मेंस का आइडिया भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं नॉच के साथ जो लॉन्च किए गए हैं, कस्टमर्स इसे बाय भी करना चाहते हैं, और प्रोसेसर को लेकर जो कंफ्यूजन है वो काफी हद तक अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे क्लियर होगी होगी MediaTek Helio P60 और यहां पे जो Snapdragon 626 चिपसेट है। अब जो अगर नंबर देखें तो MediaTek Helio P60 जो चिपसेट है ये परफॉर्मेंस में काफी हैवी है। ऐसा नहीं है कि MediaTek का नाम है माइंड में तो एकदम से घटिया का एक वो चीज घूमना शुरू हो गई, ये बड़ी अच्छी चिपसेट है पी सीरीज की लेटेस्ट लॉन्च की गई है। मुझे कोई पैसे नहीं मिले MediaTek को सपोर्ट करने के, जो फैक्ट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो परफॉर्मेंस स्कोर्स हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो MediaTek Helio P60 की जो चिपसेट है ये कंपेरेबल है Snapdragon 660 के साथ
साथ, 636 के साथ, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे स्नैपड्रैगन 626 के साथ जो एक कदरे थोड़ी सी पुरानी चिपसेट है, तो फिर ये क्लियरली यहाँ पे बीट करेगी 626 को। लेकिन अगर यहाँ पे 626 की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये भी एक अच्छी चिपसेट है, नो डाउट आपको परफॉर्मेंस और स्टेबल परफॉर्मेंस देगी, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करवाएंगे मीडियाटेक के हेलियो P60 के साथ, तो फिर मीडियाटेक के हेलियो P60 को उखाड़ के रख देगी, और वो आपने कंपैरिजन में देख भी लिया। एंड आई होप कि आपके माइंड में अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट था प्रोसेसर्स को लेके, अगर आप बाय करना चाहते हैं ओप्पो F7 या वीवो V9 को, इन दोनों में से किसी फोन को, तो जो डाउट्स थे वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो ये मैंने एक प्रोसेसर कंपैरिजन किया, मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी ईमेल के ऊपर एक दोस्त की, वो कहते हैं इन दोनों में से कौन सा अच्छा प्रोसेसर रहेगा, तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो ही बना दूं, तो ये वीडियो मैंने कंपैरिजन के ऊपर बनाई। अगर आप इन डेप्थ कंपैरिजन देखना चाहते हैं ओप्पो F7 का वीवो V9 के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस बटन में भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।